हेलो सुड़ाई किसान में आपका स्वागत है और आज आपके लिए गर्मा गर्म वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो हमारे पास वन प्लस की तरफ से गर्मा गर्म खबर निकल कर आ रही है। वन प्लस अपने एक नया फ़ोन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम होगा वन प्लस 9RT। तो दोस्तों इस फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी फ़ोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों बताऊँ आपको, इसका जो मॉडल नंबर है वो है MT2111। अगर हम इसका MT11 हटा दें 111 में से तो हमारे पास बच जाएगा 21, मतलब 2021। तो दोस्तों ये जो फ़ोन है वो इसी साल लॉन्च होने वाला है। कंपनी हमें अजीब अजीब तरीके की हिंट देती हैं, हाइप क्रिएट करती हैं और काफ़ी ज़्यादा कुछ करती हैं। तो इन्होंने भी काफ़ी अजीब तरीके से हाइप क्रिएट की है। वैसे अगर ये इसी स्पेसिफिकेशन के साथ अगले साल लॉन्च करते तो बहुत सारी कंपनियां पहले से लाके खड़ा कर देती। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। नीचे एक लाल बटन होगा, बस आपको उस पर क्लिक करना है। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को भी लाइक कर दिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और साथ ही साथ आप हमें अपनी कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं, वीडियो आपको कैसी लगी, ये वीडियो का पार्ट कैसे लगा, या तो आप इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थर्ड टाइम वेस्ट करते हैं, आज की वीडियो हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर हम डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रोसेस से पहले डिस्प्ले को देखते हैं, डिस्प्ले बड़ी है नहीं बड़ी है, या तो डिस्प्ले की व्यू एंगल्स अच्छी हैं नीचे, या तो डिस्प्ले के अंदर कितना रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें लोग डिस्प्ले के अंदर देखते हैं और भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन करते हैं डिस्प्ले को लेकर। तो आपको इस फ़ोन के अंदर डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाली है वो 6.55 इंच की सैमसंग की E3 वाली फुल HD+ की डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है। और आपको इस डिस्प्ले के अंदर जो पैनल देखने के लिए मिलेगा वो सुपर एमोलेड होगा, मतलब इस डिस्प्ले की जो व्यू एंगल्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगी, तो आपको चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 1080x2400 पिक्सल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो 120Hz का है और आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की भी प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है, जो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका फ़ोन गिर जाता है तो आपकी डिस्प्ले इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है। मतलब गोरिल्ला ग्लास टूट तो जाता है लेकिन ऐसा भी नहीं है एक या दो बार गिरने पर टूट जाए। अगर कुछ ज़्यादा ही कस के आप फेंक के मारेंगे तो जाहिर सी बात है टूटेगा। अगर नॉर्मली आपका फ़ोन गिरता है तो आपके फ़ोन की डिस्प्ले को या ऊपर की टच को कुछ नहीं होने वाला। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके कैमरे के बारे में। तो रियर में आपको उसमें ट्रिपल कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से हमारे पास एक कैमरे की स्पेसिफिकेशन आई है और साथ ही साथ आपको सेल्फी में भी इस एक सिंगल ही कैमरा देखने के लिए मिलने वाला है। तो रियर में आपको पहले जो कैमरा देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 50MP का, साथ ही साथ आपको उसमें सोनी का IMX766 वाला सेंसर देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब आपको इसके कैमरे के अंदर OIS और EIS दोनों का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। और आप इसके कैमरे से फ़ोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। सेल्फ़ी की बात करते हैं तो सेल्फ़ी में आपको 16MP की सेल्फ़ी देखने के लिए मिल जाती है और इसके अंदर आपको सोनी का IMX471 वाला सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। मतलब रियर में जो पहला कैमरा है और सेल्फ़ी में जो कैमरा है दोनों में आपको सोनी का IMX वाले सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों सेल्फ़ी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। लेकिन दोस्तों सेल्फ़ी में तो समझ आता है आपको 16MP कैमरा दिया है, लेकिन दोस्तों रियर में इन्होंने जो 50MP का दिया है वो थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर देते तो 64MP का देते जिससे आपके फ़ोटो और भी अच्छी आते हैं। वैसे दोस्तों हमें आदत सी लग गई है 64MP, 8MP, 16MP, तो 50MP थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा है। आपको भी लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम रैम के बारे में। तो आपको इस फ़ोन में जो रैम देखने के लिए मिलने वाली है वो 8GB की होगी और ये जो रैम है वो LPDDR4X वाली होगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा फास्ट रैम आपके फ़ोन में होने वाली है। बात करते हैं हम स्टोरेज की, तो आपको इस फ़ोन के अंदर 256GB की इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ आपको UFS 3.1 का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलने वाला है, जिससे आपकी जो इंटरनल की रीड और राइट की स्पीड है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम फ़ोन के दिल के बारे में।
जो हर कोई चाहता है उसे अच्छा ही मिले। तो दोस्तों आपको इस फोन के अंदर जो इसका दिल देखने के लिए मिलने वाला है वो स्नैपड्रैगन का होगा। स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाला है। अगर गेमिंग के मामले में देखा जाए तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। आपको OnePlus की डिवाइसेस में ऑक्सीजन OS देखने के लिए मिलता है, जो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसकी बैटरी के बारे में। तो आपको इस फ़ोन के अंदर जो बैटरी देखने के लिए मिलने वाली है वो 4500 mAh की आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों ये जो बैटरी है वो 65W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। अब दोस्तों देखना ये है, ये अपने बॉक्स के अंदर 65W का चार्जर देंगे या नहीं, या तो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके प्राइस की। तो हमारे पास जो इसकी प्राइस आई थी वो बाहर की करेंसी में आई थी, तो हमने इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा तो कुछ इतने रुपए आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी बेस वेरिएंट की। जो बेस वेरिएंट होगा वो होगा 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। ये आपको पड़ेगा 34,400 का। और हाई वेरिएंट के बारे में बात करते हैं, तो हाई वेरिएंट जो होगा वो होगा 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज। और दोस्तों इसकी जो प्राइस होगी वो होगी 37,900। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन दोनों फ़ोन की प्राइस होने वाली है। तो दोस्तों इस फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों देखना ये है ये फ़ोन इंडिया में कब तक लॉन्च हो पाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। जानने से पहले दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना नहीं भूलें। मिलते हैं आज के लिए वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।